हमारे भूत भावन भोलेनाथ भगवानेश्वर महादेव, क्या विद्वान है, क्या झांकी है। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याण हो देव ऋषि, आपका कल्याण हो। कहिए क्या बात है, बड़े दिनों के बाद इस कैलाश पर्वत का ख्याल आया है। कहां भटक रहे थे, देख रहा हूं बड़े ही प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात है। हे कैलाश पति, हे आशुतोष ओंकारेश्वर, हे देवादिदेव महादेव शिव शंकर भक्त वत्सल, हे भगवान ओंकारेश्वर महादेव, आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे दुख मंडल पर फिर प्रसन्नता कैसी है, जबकि सर्व विदित आपको है। ऐसा कौन सा रहस्य है जो आपको विदित नहीं है? है देव ऋषि, परंतु आज हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। नारायण नारायण, मेरे नाथ आपकी लीला भी बड़ी ही अजब है, इसको समझना किसी के बस की बात नहीं है। आप अपने इस सेवक के मुखमंडल से प्रसन्नता पाकर जानना चाहते हैं। हाँ देव ऋषि, शीघ्र ही बताओ। हे भगवान, आप जानते हैं कण कण में व्याप्त रहने वाला, जन जन में व्याप्त रहने वाला, जीव जीव में व्याप्त रहने वाला लोकांडीव जो अजय है, सत्य है, जिस पर किसी की विजय नहीं चलती। आज आपके इस सेवक ने उसे पराजित कर दिया। ये बताइए, यदि किसी राजा का विजय हो जाए तो उसके मुखमंडल पर तो प्रसन्नता रहे ही रहे। ये बात है, कामदेव पे विजय प्राप्त करके यहां आए हैं। हाँ भगवान, तब तो बड़े ही हर्ष की बात है कि कामदेव पे विजय पाना सबके बस की बात नहीं है। हाँ, आप देव ऋषि हो, आपके सामने एक कामदेव, क्या हजारों लाखों करोड़ों कामदेव हो तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। होगा किंतु क्या बात है, जिस प्रकार से ये विजय गाथा मुझसे कहकर सुनाए हैं, भूल कर क्षीर सागर बसैया श्री हरि भगवान विष्णु से मत कहना। अच्छा प्रणाम भोलेनाथ। कल्याण हो देव ऋषि, कल्याण हो। संबोधन प्रसिद्ध नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतिक सुनो हरि इच्छा बलवान। नारायण नारायण, ये देखो सारे दिन भांग धतूरे खाकर मदमस्त रहने वाले, अपने तो कुछ कर नहीं पाए, यदि किसी ने कुछ अच्छा कर लिया इनको भी ईर्ष्या होने लगी। श्री भरेंगे, तुम दोनों अपना भेष बदल कर नारद जी के पीछे पीछे जाओ। देखो नारद जी कहां जाते हैं और क्या करते हैं। जाओ, तुम दोनों का कल्याण हो। ये सोच रहे हैं कि एक करताल और बीड़ा लेकर दर दर भटकने वाला नारद भला काम पर कैसे विजय प्राप्त कर लिया। इनको ईर्ष्या होने लगी, परंतु कह रहे कि नारायण से मत कहना, अवश्य कहूंगा, जरूर कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा, परंतु वहां जाने से पहले यह विजय गाथा, यह शुभ संदेश क्यों ना पिताश्री के चरणों में डालूं। जब वो सुनेंगे
कि आज हमारे पुत्र नारद ने इतना बड़ा कार्य किया है तो अत्यंत प्रसन्न होंगे, क्योंकि यदि पुत्र कोई अच्छा कार्य कर ले तो पिता का हृदय गदगद हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण की रचना में लगी रहती है। अभी क्या कम बोझ है इस सृष्टि में जो और सृष्टि का संचार करना चाहती है। नारायण नारायण प्रणाम पितामह। कल्याण हो पुत्र नारद, कल्याण हो। आओ आसन ग्रहण करो पुत्र। कहो बहुत दिनों के बाद आज पिता से मिलने का इच्छा जागृत हुआ। हाँ पिताश्री, आप जानते हैं कि हमारा गति ही ऐसा है कि अधिक समय तक एक स्थान पर ठहर नहीं सकता। आप जानते ही हैं। वो तो जानता ही हूं कि हमारे ही ज्येष्ठ भ्राता दक्ष प्रजापति का श्राप लगा हुआ है कि मैं एक स्थान पर अधिक समय तक ठहर नहीं सकता, मैं उतने ही समय तक ठहर सकता हूं जितने समय में एक ग्वाला अपने गाय का दूध निकालता है। सत्य है पुत्र, लेकिन आज तुम बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है पुत्र? हाँ पिताश्री, आज मेरे प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं है। आज इस आपके पुत्र ने कामदेव पर और अप्सराओं पर विजय प्राप्त किया है। अच्छा, ये तो बहुत ही प्रसन्नता का ही बात है। आप प्रसन्न है ना पिताश्री? हाँ क्यों नहीं, मैं तो अति प्रसन्न हूं पुत्र। परंतु परंतु क्या? वहां किंतु यहां परंतु। पुत्र परंतु मैं ये सोच रहा हूं कि तुम तो हर जगह भ्रमण करते रहते हो। अरे तो कर्तव्य है, क्षीर सागर वासी भगवान श्री हरि के पास बराबर जाया करते हो। हाँ क्यों ना, वो ही तो हमारे आराध्य हैं। हाँ सोहे पुत्र, अपने इस प्रशंसा को उनके समक्ष जाहिर मत होने देना। हाँ अगर कहीं भूल से वार्ता करते समय तुम्हारे जिह्वा पर आए तो उसको टाल जाना। हे पिताश्री आप ये क्या कह रहे हैं? हे पिताश्री ऐसे ना कहो, नारायण मीत हमारे हैं, अपने बनने और बिगड़ने में आते हर काम हमारे हैं। अच्छा मैं चलना चाहता हूं, पिताश्री तुम्हारा कल्याण हो। ये देखो यदि भोरे रात को ईर्ष्या हुई तो ठीक है, शिष्य और भक्त और प्रभु का एक तालमेल है। चलिए गुरु गुरुदेव नाराज हो गए कोई बात नहीं, परंतु ये न पिताश्री है, ये कारण नारायण से क्या ईर्ष्या है भाई कि नाराज नारायण से मत कहना, नारायण से मत कहना। हंसे ईर्ष्या है या नारायण से है?
कहूंगा, जरूर कहूंगा, अपने करनी को तो नहीं देखते। सृष्टि में ऐसे ऐसे लोगों की रचना किए हैं जो धरती के बोझ बने हुए हैं, अपने तो दुखी होते ही हैं, लोगों को भी दुखी करते रहते हैं। परंतु अपने को नहीं कहते, मैं अवश्य जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अब इसी समय मैं क्षीर सागर जा रहा हूं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हमारे नारायण की, हमारे श्री हरि की क्या अद्भुत झांकी है। यदि जीव ऐसे झांकी का दर्शन कर ले तो उसके जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आहा प्रणाम प्रभु, प्रणाम मैया। आयुष्मान तक नारद विराजे विराजे प्यारे, हे तात नारद, बड़े दिनों पर आपने हमें दर्शन दिया है, कहो सब कुशल मंगल तो है। हे तात नारद, देवताओं में कोई अनबन तो नहीं? प्यारे महात्मा जन वेदों के ऋचाओं का अध्ययन करते रहे हैं, यज्ञ आदि कार्य भूमंडल पर हो तो रहा है, तनिक बताओ तो। अरे तर आपकी कांति माधुरिता से भरी हुई है, हे वत्स, आपके कांति को देख करके मेरा मन ललचा रहा है। हाँ प्यारे, क्या आप तो देवताओं के भी आदरणीय हैं, सभी आदरणीय, तनिक मुझे ये बताओ, समस्त लोकों में सब कुशल मंगल तो है? हे स्वामी, हे दयानिधान, आपने एक बात कहा कि नारद आपने बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया है, यह आपने आदर दिया है मुझे, जबकि यह नारद ने बहुत दिनों के बाद अपने आराध्य का दर्शन पाया है। आज आपके दर्शन पाकर हम पुनः कृतार्थ हो गए। हे स्वामी, आप पूछ रहे कि सृष्टि में क्या हो रहा है, महात्माओं का हाल क्या है। स्वामी, हे चक्रधर, हे चक्रपाणि, हम क्या कहें? क्यों? यदि मनुष्य अपना कर्म करना भी चाहता है
हमें लगता है कि वो करने नहीं पाता है। क्यों तात नारद, क्या कोई भूमंडल पर क्रूर राजा हो गया है? क्या राजाओं में वो दुष्टता कम हो गई है? उनकी बौद्धिक क्षमता समाप्त हो रही है? हे नाथ, मैं मनुष्यों की बात नहीं कर रहा। मनुष्य तो माया से ग्रसित प्राणी है। यदि उनमें कुछ इस तरह के अनबन बनते रहे तो उनका यही पारिवारिक संबंध है। बनना बिगड़ना टूटना जुड़ना, परंतु देवताओं के अंदर ऐसा विचार आया है। देवता? हाँ नाथ। अरे ये तो समस्त प्राणियों के पूज्यश्री हैं। इनमें यदि कुरीतियां आ जाए तब फिर सृष्टि का क्या होगा? प्रकृति यदि अपने चक्र को ही बदल करके दूसरी धुरी पर खड़ी हो जाए तो भला इन वनस्पतियों का क्या होगा? क्या हुआ तात, तनिक मुझे विस्तार से बताओ। दया निधान, जो बताने जा रहा हूं वो घटना स्वयं मेरे ऊपर बीती घटी। आपके ऊपर? आप त्रिदेवों ने मिलकर जो समस्त अन्य देवताओं का राजा घोषित किया है, आप लोगों ने ठीक से उसका चयन नहीं किया। आखिर क्या हो गया मेरे राजा में? कौन सी खोट आ गई है? क्या देवराज उपज पर चलने लगे हैं? क्या उनका मार्ग सुगम नहीं है? हे दयानिधान, राजा को त्यागी होना चाहिए, राजा को लोभी नहीं होना चाहिए। यदि राजा के अंदर लोभ आ गया तो प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। अर्थात देवराज इंद्र में कोई लोभ आ गया है? उसे स्वयं पद और सिंहासन का। मैं तो सरलता स्वभाव से हर गुणगान गाता हुआ जा रहा था। भगवान भोलेनाथ के हिमालय की पावन गुफा दिखाई थी, वहां का सुंदर वातावरण देखकर हृदय प्रफुल्लित हो गया। मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिन इसी शिराओं पर बैठकर भगवत भजन किया जाए और इस शांति का आनंद लिया जाए। हे नारायण, जैसे ही मैंने आपके नामों का स्मरण करना शुरू किया उतने में न जाने मेरी समाधि लग गई और कितने कल्प बीत गए। इसमें मेरा क्या दोष? और मेरे तपस्या के प्रताप से यदि सिंहासन चलायमान होने लगा तो इसमें तपस्या करने वाले का क्या अपराध? किसका सिंहासन? किसका सिंहासन हिल गया? देवराज इंद्र का। अच्छी तो ये बताइए, उसने भेज कर मेरे तपस्या को भंग करना चाहा तो इसमें मेरा अपराध था या वह अपराधी था? यदि पूजा में यज्ञ आदि में और किसी तपस्वी के तप को भंग किया जाए तब तो वह संसार का सबसे बड़ा अपराधी कहलाता है। उसे तो दूसरे योनि में स्वान ही होना पड़ता है। क्या ऐसा आपके साथ देवराज इंद्र ने किया? हाँ नाथ, परंतु जिस शीश पर आपके कृपा की छत्र छाया हो भला उसे पराजित कौन कर सकता है?
हे नाथ आपकी कृपा पाकर एक चीटी पहाड़ को खोद कर गिरा देती है और उसी सुरंग से जल का प्रवाह होता है, झरने का रूप लेकर नदी का रूप बनता है और वह नदी जाकर समुद्र में समाहित होती है, तो वह आपकी कृपा का प्रताप है। हे नाथ, आज आपके ही कृपा आशीर्वाद से मैंने काम और विजय पर प्राप्त किया है। क्या आपने कामदेव पर विजय प्राप्त किया? हाँ ना। हे ऐश्वर्यशाली तात नारद, तुम धन्य हो। हे विजयी नारद, आप तो तीनों लोगों के आदरणीय हैं ही और आज मेरे सिर छत पर बैठने के योग्य बन गए हैं। हे तात, यही तो कार्य और किसी देवताओं में समर्थ नहीं था जो कर सके। तुम पूजनीय हो। हे तात, इसमें तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए और ना ही तो कोई मन में भय ही रखना चाहिए। जानते हो, जब प्राणी लोभी हो जाता है तो उसका मन स्वान के जैसा हो जाता है। इसलिए लगता है कि देवराज का मन श्वानवत हो गया था। तो चिंता न करो, हम तो आपके साथ हैं ही। नारायण नारायण ही प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा हो रही है कि एक बार इस शिव सागर की परिक्रमा कर लूं। इसमें पूछने की क्या बात है? हे पुत्र, ये तुम्हारा ही तो घर है, अपने पिता के यहाँ। पुत्र कभी कुछ पूछा नहीं करता, वह स्वयं अपने गृह में भ्रमण करता है। आप अपनी इच्छा पूर्ण करो, जाना कछुओं से पूछना, मत से पूछना, उनसे कहना कि क्या शब्द के समस्त कार्य सुचारू ढंग से चल रहे हैं या नहीं। शाह हमारे समस्त व्यवहार का वर्णन वही जीव करके आपको बता देंगे। यदि यहाँ कोई खोट होगा तो अवश्य सुनाना। ही नाथ, आपने कहा है कि ये अपना ही घर है, इसमें पूछने की क्या बात है? हे नाथ, यदि आप पिता हैं और मुझे पुत्र का स्नेह दिया है तो हर पुत्र का ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि कोई भी कार्य बिना पिता से पूछे नहीं करना चाहिए। यदि पिता की आज्ञा हो तभी वह कार्य करना चाहिए। आज्ञा है का? आज्ञा है। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान। प्रणाम माता। देखी हो देवी, आज नारद का अहंकार झलक रहा है। हे प्राणवल्लभी, ऐसा अहंकार तो कदाचित किसी टोर राजा में भी न होगा। आज नारद अपने अहंकार से ओतप्रोत है, किंतु यदि नारद में अहंकार का उपज हो जाए तब तो सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। यदि संत ही कुमार पर चलने लगे तो साधारण मानव जाति का क्या होगा? इसलिए मेरा मन है कि बेग समय देई हो उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मैं अपने मन में यह दृढ़ निश्चय रखता हूं, यदि मेरे जनों को कोई सताएगा, चाहे वह भय हो, अहंकार हो या कपटी मार्ग हो, तो मैं उसे जड़ समूह से ही समाप्त कर दूंगा। देखती हो, अभी तो छोटा सा अंकुर इसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है, किंतु यही यदि वृक्ष बन जाएगा तब तो बड़ा कटीला होगा। इस सृष्टि में रहने वाले
मानव जाति तो डगमगा जाएंगे। मानव ही नहीं वर्ण्याच्छादी गंधारवादी ये सब अपने अपने मार्ग से हट जाएंगे, फिर वेदों का क्या होगा। इसलिए मेरा मन है कि तुम मेरी सहायता करो, तुम हमारी इच्छा से मृतलोक की ओर प्रस्थान करो। वहां पर जाकर के तुम एक सुंदर नगर निर्माण करो, उस नगर का नाम श्रीनगर होगा और तुम्हारे ही माया से वहां के पुनीत राजा हो जिनका नाम शीलनिधि हो और हे कल्याणी उन्हें के तुम सुरक्षणा पत्री बन करके इस धरा पर अवतार लो और तुम्हें लोग विश्व मोहिनी के नाम से जाने जिससे आप तो पहले आदर दे और आपका समस्त लोकों में पूजा होने लगी। मेरा एक छोटा सा कौतुक भी हो जाएगा और नारद का भला भी हो जाएगा। राम प्रभु ऐश्वर्या मैया कहो वत मेरे छेड़छंद में कोई कमी तो नहीं। ही नाथ मारो सारे संसार की समृद्धि जहां तुम्हें से पहुंचती हो तो यहां कमी कैसे हो सकती। कमी तो औरों की यहां हो सकती है। सारे की कमियों को पूर्ण करने वाले नारायण आप हैं तो यहां कमी क्या हो सकती है। अर्थात आपको हमारे समस्त जीव अच्छे लगे, आपको कच्छप आदि प्यारे लगे, किसी ने कोई शिकायत तो नहीं की। नहीं नाथ मैंने देखा क्षीर सागर के निचले सतह में कच्छप आपके हार के लिए मोतियां इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा मत्स्य जो है अपने परिवार के साथ खेल कर रहे और नारायण का जाप कर रहे। जितने जीव हैं सभी आपस में पड़े हुए सूझबूझ और संपन्नता से अपना व्यवहार रख रहे। अच्छा मैं चलना चाहता अवश्य चलो। प्रणाम कीर्ति मानव होता अपनी कृपा बनाए रखना अवश्य। जैसे शिव प्राण माता हे मैया आपका हस्त सदैव इस दास के सर पर है। आपके ही कृपा से हमारा जीवन नारायण।